मंगलम सीमेंट। और अब ये नाम आते ही तो आप बोलेंगे अनिल जी कोटा फैक्टर वर्क्स। यस, कोटा और अलीगढ़, मतलब कोटा के पास में मोड़क बोल के जगह है और अलीगढ़, वहां पे इनके दो प्लांट्स है, एक बेहतरीन बिरला ग्रुप कंपनी। और बहुत, मैं इनफैक्ट पहले मैंने मई में दिया था 2021 में, मई 10 तारीख 2021, और तब भी बहुत इजीली टारगेट अचीव हुए, और उसके बाद तो गजब का परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिया। 472 रुपए तक के लेवल्स दिखाए और अभी 357, और पिछले कुछ क्वार्टर सर्टनली सीमेंट सेक्टर के लिए नहीं थे, बट आने वाले क्वार्टर सीमेंट सेक्टर के लिए मैंने आज भी श्री सीमेंट दिया, फिर अडानी ग्रुप की एंट्री, एसीसी और अंबुजा इनमें। और प्लस जिस तरीके से सारे स्टॉक्स का अगर आप फंडामेंटल्स भी देखिए और टेक्निकल्स भी देखिए तो बहुत जबरदस्त, मतलब फाउंडेशन बन रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इनके जो कॉस्ट को लेकर जो मार्जिन्स कम हुए थे उन सब को देखते हुए भी लगता है कि ये कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और अब मैं एक चीज और कह दूं कि ये कंपनी की कैपेसिटी भी इन्होंने एक्सपेंड की है, और 4 MTPA मतलब बिलियन टन पर एनम की सीमेंट की कैपेसिटी, क्लिंकर की 2.5 मिलियन टन की कैपेसिटी। और अगर और चीज देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स पे ये स्टॉक बहुत सस्ता लगता है, सिर्फ 1.25 टाइम्स पे चल रहा है, 1.32। जनरली जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है वो करीब 3 से 4 टाइम्स का है, सो दैट इज वन थिंग। और बैकवर्ड इंटीग्रेशन बहुत जबरदस्त है इनका, जो रॉ मटेरियल्स है, लाइमस्टोन की जो इनकी माइंस है, वो सब की वजह से इनकी कॉस्टिंग पे थोड़ा अच्छा बेनिफिट मिलता है। और आज एक अनिल जी मैं एक और बात कहना चाहूंगा, मैं आज ऐसे ही देख रहा था अभी टॉप गेनर्स में, तो आज हमारे 3 जेम स्टॉक टॉप गेनर में 20-20% वाले, पोनी शुगर, आरएसीएल, गियरटेक और ग्लॉस्टर। तो उसको देख के मुझे और कॉन्फिडेंस आया और ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। अब मैं मंगलम सीमेंट के फंडामेंटल्स पे आता हूँ, 13-14 के पी मल्टीपल पे सस्ता है स्टॉक, और सबसे बढ़िया बात है जो मैंने हाइज बताए थे 472 से करेक्ट हुआ स्टॉक है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 3 साल के प्रॉफिट की कैगर भी 16-17% की रही है, और सबसे बढ़िया बात एक और है, मार्जिन 22% से 14% डिप जरूर हुआ था जून क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है, बट टॉप लाइन गजब का बढ़ा। और सीमेंट सेक्टर में देखिए टॉप लाइन, क्योंकि ये कंपनी जिस तरीके का कॉम्पिटेटिव स्पेस है ये भी, और बिरला उत्तम के नाम से इनका ब्रांड है, तो टॉप लाइन भी बहुत बढ़िया था, 358 करोड़ के सामने 514 करोड़ का टॉप लाइन था। और अगर आप बॉटम लाइन बेसिस पे देखें तो टीटीएम बेसिस पे 70-75 करोड़ सालाना कमा रही है कंपनी, 900 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, एफआईएस डीआईएस करीब 9% से ज्यादा होल्ड करते हैं, और प्रोमोटर्स मैंने बताया ही, बिरला ग्रुप और उनके फिर डॉटर्स हैं और उनमें भी शेयर होल्डिंग है। और सचिन बांसल जी जब अपनी स्टेक बेचे तो उन्होंने इसमें 7% इक्विटी ली, और सिंगल अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग देखे 1% के ऊपर वाले शेयर होल्डर्स बहुत सारे हैं जो अच्छे नाम है, तो उससे और ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को ले 410 और 430 के टारगेट के लिए।